Good morning, student. Today is day 20. The chapter is functions. The concept is domain of a function. The chapter is function. The concept is domain of a function, represented by df. Now, what is domain? In chapter relations, we discussed domain, range, codomain. I just recall that if there is a set A, there is a set B, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. 1 to A, 3 to B, and 4 to D. Now, domain is डोमेन का सिंपल मतलब होता है जो हम वैल्यूज पुट करते हैं. तो कौन सी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4. और रेंज का मतलब क्या है? जो 1, 2, 3, 4 की इमेजेस बन रही हैं, कौन कौन सी? ए, बी एंड डी. कोडमेन क्या होता है? हमेशा कोडमेन होता है हमेशा एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. सो प्लीज पहले तो आप ये याद रखें, रिलेशन में डोमेन, रेंज, कोडमेन क्या होती है. सो डोमेन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं. सो स्टार्ट विद द चैप्टर डोमेन ऑफ अ फंक्शन. सो डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट वैल्यूज इनसाइड द फंक्शन, इसे हम फंक्शन कहते हैं. एफ एक्स और ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, जितनी भी हम वैल्यूज एक्स की पुट करेंगे, फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड. इसका मतलब क्या है? और ये भी कह सकते हैं, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल. इसका मतलब क्या है? वो एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करके कोई आंसर आएगा फंक्शन का, वो मीनिंगफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई माइनस इनफिनिटी पे जा रहा है, कोई इनफिनिटी पे जा रहा है तो हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं कोई अंडर रूट का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वो वेल डिफाइंड होगा, मीनिंगफुल होगा जो भी हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वाई इक्वल्स टू टू एक्स, वाई इक्वल्स टू टू एक्स, जो एक्स है वो क्या है? इनपुट मींस डोमेन. वाई क्या है? आउटपुट है. जितने भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आएगी, वो आउटपुट है. उसका मतलब क्या है? रेंज. सो अगर एफ एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल है, तो एक्स एफ वाई, इट मींस इनपुट, दिस इज फंक्शन, इसमें कोई एक्स की वैल्यू पुट की हमने, और क्या आ गई मेरे पास? आउटपुट. सो ये बेसिक कंसेप्ट है डोमेन का. डोमेन का सिंपल वर्ड्स में जो मीनिंग है वो ये है, हमें एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होती है? उसकी रेंज होती है. लेकिन जो फंक्शन बनेगा वो मीनिंगफुल बनना चाहिए, वेल डिफाइंड बनना चाहिए. सो वेल डिफाइंड बनाने के लिए मेरे पास तीन रूल्स हैं, वो आपने याद रखने हैं जब भी हमें डोमेन पता करनी है. सो वो तीन रूल्स कौन कौन से हैं? सो वो तीन रूल्स डोमेन के लिए, जब भी आपने डोमेन सॉल्व करनी है, फर्स्ट रूल क्या है? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा.
For example, x minus 1 upon x minus 2. मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज मुझे इसकी डोमेन निकालनी है। अब ये फ्रैक्शन क्या है, मुझे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। क्यों? समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन जीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं चाहिए। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएं, डोमेन का मतलब होता है एक्स की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कौन सी, टू। क्यों? अगर मैं यहां पर टू पुट करता हूं तो टू माइनस टू क्या बन जाएगा, जीरो। समथिंग अबाउट जीरो टेंड्स टू इनफिनिटी। सो हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस का मतलब, लेकिन क्या भी पुट कर सकते हैं, टू नहीं पुट कर सकते। सो दिस इज अ कंसेप्ट, व्हेनेवर द फंक्शन इज इन फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर क्वेश्चन आ गया ऐसे, आपको डोमेन पता करनी है तो याद रखना कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन आप एक्स की वैल्यू टू कभी भी पुट नहीं करोगे। क्यों? जब भी आप टू पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, विच इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट मीनिंगफुल। सो तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, आर माइनस टू। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द डोमेन। नाउ वी शिफ्ट टू द सेकंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मीन्स, अगर कोई एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, अगर न्यूमिरेटर में, अब एक्सप्रेशन दो तरह के हैं, सुनो ध्यान से, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी वैल्यू है। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में ये एक्सप्रेशन आ गया, तो याद रखना वो एक्सप्रेशन को हमने हमेशा क्या रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और अगर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन ऐसे आ गया कोई भी, तो उस एक्सप्रेशन को हमने क्या लिखना है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। प्लीज लिसन केयरफुली, दो तरह के एक्सप्रेशन है अंडर रूट के, दो तरह के एक्सप्रेशन है अंडर रूट के। अगर तो न्यूमिरेटर में आ गया रूट समथिंग, इट मींस दैट एक्सप्रेशन इन द रूट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। बट अगर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो, मैंने यहां पर इक्वल टू क्यों लिखा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा इट टेंड्स टू इंफिनिटी, सो ओनली ग्रेटर देन जीरो। सो ये दो मेथड्स हैं ताकि हम डोमेन को पता कर सके। सो जो हमने कंक्लूजन निकाला है, कंक्लूजन जो डोमेन से, कंसेप्ट से हमने कंक्लूजन निकाला है, वो क्या निकाला है, डोमेन में कांट डिवाइडेड बाय जीरो, कभी भी हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, कांट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, कभी भी हम स्क्वायर रूट का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो वी कांट टेक दिस वैल्यू, वी कांट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, वी कांट डिवाइड द नंबर बाय जीरो। सो दीज आर द कंक्लूजन फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डोमेन। नाउ वी शिफ्ट टू सम क्वेश्चंस फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। So the first concept is, the first question, fx equals to x square plus 2. Now fx equals to x square plus 2, what are the possible values can be put in this function?
कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसे तो हम डोमेन कहते हैं। सो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। सो जो डोमेन है विच इज इक्वल्स टू आर, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो वो इसका सोल्यूशन होगा। सो डोमेन का मतलब कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस फाइव। नाउ अगेन हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल नंबर कोई भी पुट कर दो, लेकिन क्या नहीं पुट कर सकता मैं माइनस फाइव। क्यों? अगर x की वैल्यू में माइनस फाइव पुट करूंगा माइनस फाइव प्लस फाइव क्या बन जाएगा, जीरो। और डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं चाहिए, मैं पहले समझा चुका आपको, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं चाहिए बिकॉज इट टेंड्स टू इनफिनिटी, इट मेक्स द फंक्शन मीनिंग अनमीनिंगफुल और नॉट वेल डिफाइंड। सो कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन माइनस फाइव नहीं पुट कर सकते डिनोमिनेटर में। सो दिस इज अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आफ्टर दिस एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन, अगेन डोमेन कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस सेम वैल्यू में पुट कर सकते हैं माइनस सेवन बाय टू। क्यों? अगर माइनस सेवन बाय टू पुट करेंगे अगेन डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, जीरो। सो रियल नंबर कोई पुट कर सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो इन्फिनिटी ना बने। सो आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन। नाउ अब ये कंसेप्ट कौन सा है, एक्सप्रेशन रूट में है और ये रूट किस में, न्यूमिरेटर में है। जब भी न्यूमिरेटर में रूट का एक्सप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, जब भी न्यूमिरेटर में ये एक्सप्रेशन हो तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये कब करते हैं, जब रूट वाला एक्सप्रेशन न्यूमिरेटर में होता है। तो ये न्यूमिरेटर ही है अपॉन वन, तो ये न्यूमिरेटर है, तो वो एक्सप्रेशन को हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, विच मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, विच मीन्स वन टू इंफिनिटी। सो इफ द क्वेश्चन कम्स एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस टू, it means x minus 2 greater than equals to 0, x greater than equals to 2, which means 2 to infinity. So this is the second concept when the square root expression is in numerator. Now shift to the third point when the root expression root is in denominator. So the question is fx equals to 1 root x minus 1. Now the root expression is in denominator. Now expression is only greater than 0, not equals to 0, because if denominator is equals to 0 then it tends to infinity. So in this case if the square root function is in denominator, that expression is always greater than 0, x greater than 1, which means 1 to infinity. Okay, not equals to 1, 1 to infinity. This is open interval. Open interval means we don't include 1. But if we include 1, which means 1 minus 1 equals to 0, something about 0, all again, it tends to infinity. Now, the next one is, fx equals to 4 minus x square. Now fx equals to 4 minus x square. Again, the square root function is in numerator. So 4 minus x square greater than equals to 0. Any problem? 4 minus x square greater than equals to 0. So we take minus common. This becomes x square minus 4 greater than equals to 0. Now shift this sign
to right hand side, this sign changes. Remember linear equations, the concept of linear equation, whenever we change the sign, negative sign changes from the one side to another side, the center sign changes. So now we can write this expression as in this way. So this becomes x minus 2, x plus 2 greater than equals less than equals to 0. Now draw number line, critical points. Now what are the critical points? Minus 2 and 2. So minus 2 and 2. This is plus, this is minus, this is plus. Now the sign is less than equal to, so we select negative portion. So the domain is minus 2 to 2. So please listen it carefully. The expression is root 4 minus x square. We make 4 minus x square greater than or equals to 0 because like the square root function is in numerator. So we take minus common from the both two terms. It becomes x square minus 4. Shift this negative sign to right side. The center sign changes. Now x square minus 2 square. A square minus b square. Then we use of a square minus b square. A minus b, a plus b. Then we find the critical points. Critical points are minus 2 and 2. Draw that two critical points on the number line, minus 2 and 2. This is positive, this is negative, this is positive. Whenever the sign is less than, we select the negative portion, minus 2 to 2. So this is the domain of the function. Now we shift to the next question. The next question related to domain. The last one. The next question is, if fx equals to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2. Now, first of all, we make the factors of denominator. So what are the factors of denominator? X square minus 2x minus x plus 2. So 2x minus 3 upon x common, x minus 2 minus 1, x minus 2. So 2x minus 3 upon x minus 1, x minus 2. So x minus 1, x minus 2. So now what is the domain of this function? What is the domain of this function? We can put all the values of x except 1 and 2. We can put all the values of x except 1 and 2. Because if we put 1 minus 1, 0, which tends to infinity. But if we put 2 minus 2, 0, again it tends to infinity. So these are the critical points not to be mentioned in the domain. So the domain is all the real numbers except 1 and 2. So this is the basic concept of domain. Tomorrow we will start with the new concept, that is the range of the function. Range of the function, which is correspondingly comes out of the values of x, which is input, which is called domain.